ये है विक्रांत मैसी, हो सकता है तुम इन्हें जानते हो क्योंकि अभी इनकी एक मूवी बहुत पॉपुलर हुई थी, टू गुड बेस्ट एक्टर क्रिटिक्स का अवार्ड भी मिला था विक्रांत मासी फॉर 12th फेल। पर अगर तुम सोच रहे हो कि अब तो विक्रांत का बॉलीवुड करियर सेट है तो लेट मी रिमाइंड यू दैट ही इज अ टीवी एक्टर एंड टीवी एक्टर और बॉलीवुड का रिश्ता कभी कुछ खास नहीं रहा है। फॉर एग्जाम्पल इसी सेम फिल्म फेयर में जहाँ उनको बेस्ट एक्टर क्रिटिक्स मिला उसमें वो खुद थर्ड रो में बैठे हुए थे एंड फर्स्ट रो में और ही बैठा हुआ था। एंड सैडली बाकी सारे टीवी एक्टर्स के लिए रियलिटी इससे भी बुरी है, एवरी टाइम दे ट्राई टू क्रैक इनटू बॉलीवुड वी डोंट गेट दैट लग्जरी। हमारे साथ क्या होता है, एक्टिंग देखते हैं, ऑडियंस का रिस्पॉन्स देखते हैं, ब्रांड्स का रिस्पॉन्स देखते हैं, राइट। फॉर एवरी शाहरुख खान, विद्या बालन, सुशांत सिंह राजपूत जिसको तुम बोलोगे कि ये भी तो टीवी से आए हैं, आई कैन गिव यू अजय भानुशाली, राम कपूर, रोनित रॉय, प्राची देसाई, जेनिफर विंगेट, मनीष पॉल, करण वाही, राजीव खंडेलवाल, गुरमीत चौधरी, वरुण सोपती, रणविजय सिंह, करण कुंद्रा, हिना खान, हितेन तेजवानी, अमन वर्मा, करिश्मा तन्ना, गौहर खान, सिद्धार्थ शुक्ला, अंकित अलखंडे, दिशिदानी, मौनी राय एंड सो मेनी मोर। तो फिर ऐसा है क्यों, क्या बॉलीवुड के लोग टीवी एक्टर्स को पसंद ही नहीं करते हैं? They still look down upon TV. Yes, I did have fear. I thought my career would end even before it began. Chance, respect, that treating of 14 hours, 12 hours, badi vanity, choti vanity, suite versus normal room. There were times where I used to go for film auditions and they would say that this is not meant for you. Not liking the fact that TV artists are treated as TV artists. या फिर क्या टीवी एक्टर्स इतने काबिल ही नहीं है कि वो बॉलीवुड में सक्सेसफुल हो पाए, या फिर हम एज ऑडियंस उनको टीवी से हटके सिनेमा हॉल में देखना ही नहीं चाहते? Like I have always felt that actors on television are extremely seasoned. It's just that the understanding of the television actors get bogged down because they keep doing the same thing every day. इस वीडियो के लिए दो हफ्ते रिसर्च करने के बाद इस सबसे हटके भी कुछ अलग सामने आया है अबाउट द क्रेजी रिलेशनशिप बिटवीन बॉलीवुड टीवी एक्टर्स, इंडिया की मूवीज देखने वाली जनता। आई कैन गारंटी यू इस वीडियो के खत्म होते होते तुम्हारा भी माइंड ब्लो हो जाएगा कि रियलिटी कितनी कॉम्प्लेक्स है, टीवी एक्टर्स के फेलियर के पीछे का असली सच क्या है, इतने कम सक्सेसेस के बाद भी क्यों टीवी के लोग बार बार बॉलीवुड में जाने की कोशिश करते रहते हैं, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि टीवी एक्टर्स पैसा नहीं कमाते हैं। एक 24 साल के लड़के के लिए 35 लाख रुपए महीना बहुत होता है, या फेम की कमी होती है। देयर इज समथिंग मोर दैट ड्राइव्स देम एंड समथिंग दैट स्टॉप्स देयर सक्सेस। इसी सब के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल अभी तक इंटरेस्टेड हो तो वीडियो को लाइक करो, वरना एल्गोरिथम पुश कैसे करेगा। एंड आओ साथ में समझते हैं व्हाई बॉलीवुड विल नेवर एक्सेप्ट टीवी एक्टर्स। टीवी एक्टर्स, उनमें काम करने वाले लोग और टीवी देखने वाली जनता को चाहे बॉलीवुड कितना भी नीचा दिखाए, लेकिन सच तो यह है कि उन शोज की बनाई हुई ऑडियंस के बिना बॉलीवुड एक्टर्स भी सरवाइव नहीं कर पाएंगे। इसका अंदाजा लगाने के लिए तुम ये देख सकते हो कि बॉलीवुड के कितने एक्टर्स बार बार टीवी अपनी प्रेजेंस बनाने की कोशिश करते हैं ताकि वो उस ऑडियंस के सामने रेगुलरली रह सके। खतरों के खिलाड़ी, क्या पांचवी पांच से तेज है, जोर का झटका, बिग बॉस, केबीसी, झलक दिखला जा, रोडीज, सलमान, शाहरुख, अमिताभ, विवेक, नेहा, छोटे से लेकर बड़े एक्टर्स सब टीवी इंडस्ट्री इन्वॉल्व रहता है। अब वो अपनी मूवीज प्रमोट करने के लिए आना हो, छोटे छोटे कैमियो रोल्स लेके आना हो, या फिर किसी रियलिटी शो में जज बन के आना हो, इन सब ने कोशिश करी है टीवी में प्रेजेंस बनाने की ताकि वो टीवी ऑडियंस को केटर कर सके। एंड इसी से सवाल आता है कि मूवी से इतना पैसा छापा है, मीडिया की अटेंशन की कोई कमी नहीं है, एंडोर्समेंट की कोई कमी नहीं है, इस सब के बावजूद बॉलीवुड स्टार्स का ध्यान क्यों हमारी छोटी टीवी स्क्रीन पर जाता है? जीरो मूवी के रिलीज के दौरान शाहरुख खान ने एकता कपूर के शो कसौटी जिंदगी 2 का एक प्रोमो करा था। कसौटी जिंदगी के 25 सितंबर से रात 8 बजे स्टार प्लस और हॉटस्टार पर, और इस प्रोमो के लिए 8 करोड़ रुपए चार्ज किए थे शाहरुख खान ने। हमारे सल्लू भाई तो बिग बॉस के एक एपिसोड के लिए 12.5 करोड़ तक चार्ज करते हैं, लेकिन पैसों से ज्यादा ना इन बॉलीवुड एक्टर्स के लिए टीवी देखने वाली जनता की वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल 2000 से 2023 के बीच में केबीसी के 15 सीजन आ चुके हैं। ना सिर्फ इस शो ने अमिताभ के डूबते हुए करियर को बचाया, लेकिन इट टर्न्ड आउट टू बी अ गेम चेंजर इन द इंडियन टीवी लैंडस्केप। एंड केबीसी ने स्टेज सेटअप कर दिया बाकी सिमिलर शोज के लिए टू लेवरेज द पॉपुलैरिटी ऑफ अ बॉलीवुड एक्टर एंड अट्रैक्ट व्यूअर्स। टीवी ऑडियंस के अट्रैक्शन से किसी इंसान को कितना रेलेवेंस मिल सकता है, इसका अंदाजा तुम शार्क टैंक के शार्क्स की पॉपुलैरिटी को देख के लगा सकते हो। जिन कंपनी के फाउंडर्स को 3 साल पहले कोई नहीं जानता था, आज वो सेलिब्रिटी सीईओ का स्टेटस एंजॉय कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर मैसिव फॉलोइंग गेन कर ली है। अश्नीर ग्रोवर के शार्क टैंक पर आने से पहले 236 फॉलोअर थे, बहुत प्राइवेट इंसान थे, लेकिन शार्क टैंक के बाद ये नंबर 7.5 लाख तक स्काई रॉकेट कर गया और आज शार्क्स के फॉलोअर्स मिलियंस में हैं। एंड आज के टाइम में भी इवन
इवन दो तुम सोचो कि OTT आ गए हैं, सोशल मीडिया है, यूट्यूब है, मूवीज है, उस पर हम लोग कितना टाइम स्पेंड करते हैं, लेकिन सच तो ये है कि जो टीवी देखने वाला सेगमेंट है ना इंडिया का, वो आज भी बहुत बड़ा है। इंडिया टीवी के इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग लोगों ने इस साल पिछले साल के कंपैरिजन में ऑलमोस्ट 1 घंटा ज्यादा दिया है टीवी को कंपेयर टू लास्ट ईयर। FY24 में 5.1% ग्रोथ ज्यादा देखने को मिली है टीवी कंजम्पशन में, जिसमें बाकी एज ग्रुप के मुकाबले 15 से 30 साल के एज ग्रुप में ज्यादा ग्रोथ देखने को मिली है। एंड सबसे एक बात समझ में आती है कि टीवी आज भी एक मैसिव जनता के लिए, कंजम्पशन मीडिया के लिए एक बहुत ही प्रेफर्ड प्लेटफॉर्म है। व्हाट्स मोर इंटरेस्टिंग, इसकी इस ऑडियंस में 59% वुमेन है। लेकिन टीवी एंटरटेनमेंट की इतनी स्ट्रॉन्ग ऑडियंस बनी कैसे, जो OTT आने के बाद भी उस पर इंपैक्ट पड़ा ही नहीं? यहां पर रोल प्ले करते हैं टीवी शोज एंड सीरियल। अब देखो, इंडिया में टीवी को 40 सालों से है, लेकिन शुरुआत के 17 सालों में टीवी की ग्रोथ बहुत स्लो थी। आजादी के बाद देश में गरीबी के कारण टेलीविजन को एक लग्जरी माना जाता था। एक कैबिनेट रेजोल्यूशन पास हुआ था 1955 में, जो प्रोहिबिट करता था फॉरेन इन्वेस्टमेंट को प्रिंट मीडिया तक में। 1977 तक कुछ 6,76,615 टीवी ही खरीदे गए थे, और उस समय टीवी पर एक चैनल था दूरदर्शन। तब दूरदर्शन पर एजुकेशनल, न्यूज, कल्चरल शोज, एग्रीकल्चर और हेल्थ रिलेटेड प्रोग्राम चलते थे। लेकिन 1974 में ये देखा गया कैसे बाहर के टेलीविजन नेटवर्क जैसे मेक्सिकन कमर्शियल टीवी शो ऑपरास प्रोड्यूस करके एक लार्जर ऑडियंस कैप्चर कर रहे थे और सटली एजुकेशनल थीम कन्वे कर रहे थे। इसी के देखा देखी SS गिल ने, जो सेक्रेटरी थे मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के, उन्होंने 4 लोग की एक टीम बनाई जिसमें इंक्लूडेड थे स्क्रिप्ट राइटर, डायरेक्टर, एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर और एक प्रोड्यूसर, और तैयार करा जाता है 1984 में बना हुआ इंडिया का पहला सोप ओपरा शो, दूरदर्शन पर ब्रॉडकास्ट होने वाला हम लोग। हम लोग एक ऐसा शो था जो एवरीडे मिडिल क्लास फैमिली के सोशल इश्यूज डिस्कस करता था, जैसे अल्कोहलिज्म, डाउरी, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, एजुकेशन एक्सेट्रा। एंड इस शो के सक्सेस के कारण ना सिमिलर शोज के लिए दरवाजे खुल गए, जिसमें अच्छी स्टोरी टेलिंग के साथ साथ लोगों को एंटरटेनमेंट और एजुकेशन दोनों मिलती थी। बुनियाद 1986 में आया शो इंडिया के पार्टीशन के बाद की आफ्टरमैथ दिखा रहा था। सुबह बेस्ड ऑन द नॉवल शिव संस्कारी फॉलोज द स्टोरी ऑफ अ यंग मैन जॉइनिंग अ कॉलेज दैट फॉल्स इनटू द ट्रैपिंग्स ऑफ सब्सटेंस अब्यूज। हसरते 1994 में आया एंड एक्सप्लोर्ड द सोसाइटल स्ट्रेन प्लेस्ड ऑन मैरिजेस इन इंडियन कल्चर। फौजी, जिसमें शाहरुख खान ने अपनी एक्टिंग करियर का डेब्यू करा था, दिखाता था डेली स्ट्रगल्स ऑफ आर्मी रिक्रूट्स। इसके बाद 2 शोज ऐसे आए जो लैंडमार्क माने जाते हैं इंडियन टेलीविजन की हिस्ट्री में। 1987 में आया रामायण और 1988 में महाभारत। इन शोज का इम्पैक्ट इतना था कि एक शो का एपिसोड देखने के लिए हर संडे सड़कें भर जाया करती थी। लोगों के ऊपर उसका इम्पैक्ट इतना हुआ कि इट ब्रॉट देम बैक टू द रिलीजियस, मॉरल एंड कल्चरल वैल्यूज। एंड फिर 1991 में हुआ एक ट्रांसफॉर्मेशन, जब देश में आया लिबरलाइजेशन एंड टीवी इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा चेंज आ गया। 1991 तक जहां दूरदर्शन सिर्फ अकेला चैनल था, वो बढ़कर सोनी टीवी, स्टार टीवी, सीएनएन जैसे 800 चैनल्स हो गए थे 2012 तक। टीवी 70 मिलियन घरों तक पहुंच गया था। एंड जैसे जैसे व्यूअरशिप बढ़ी, अलग अलग फॉर्मेट के शोज आने लगे, जैसे सास बहू ड्रामास, रियलिटी शोज जैसे KBC, रोडीज, कॉमेडी शोज, टैलेंट शोज, और टेलीविजन मार्केट बढ़ता चला गया। आज इंडिया में सोप ओपरा की मार्केट इतनी बड़ी है कि एक एक एपिसोड के लिए बड़े बड़े एक्टर्स 3-3 लाख रुपए चार्ज करते हैं। फिर जब अच्छी व्यूअरशिप मिल रही है, हफ्ते में 5 दिन का काम मिल रहा है, बहुत पैसा मिल रहा है, एक बड़ी ऑडियंस को केटर करके फेम मिल रहा है, तो क्यों टीवी एक्टर्स बॉलीवुड में अपॉर्चुनिटी पाने के लिए बेताब रहते हैं, जहाँ कोई सर्टेनिटी भी नहीं है कि रोल मिले ना मिले, पता नहीं है कैसी मूवी मिलेगी, मूवी मिल भी गई, रिलीज हो भी गई, तो लोगों को पसंद आएगी भी या नहीं आएगी। इतना कंपटीशन है ऑलरेडी एस्टेब्लिश लोगों का, आने वाले नए लोगों का, एंड सब के बावजूद हमने देखा टीवी के बड़े बड़े एक्टर जैसे राजीव खंडेलवाल, यामी गौतम, प्राची देसाई, रोनित राय, राम कपूर ने अपना टीवी का करियर दांव पे लगा के बॉलीवुड में जाके स्ट्रगल। बॉलीवुड में ऐसे बहुत सारे एक्टर्स हैं जो टीवी से आए, उनका करियर शायद थोड़ा शुरू हुआ, शायद फेल हो गया, एंड घूम फिर के उन्हें वापस टीवी पे आना पड़ा। तो वो बॉलीवुड में जाना क्यों चाहते हैं, उससे पहले ये जानना जरूरी है कि उनको दिक्कतें क्या होती हैं इस ट्रांजिशन में। एंड सबसे पहले स्ट्रगल तो यही रहती है कि बॉलीवुड उनको टीवी एक्टर्स का टैग देके अपने साथ का मानने को तैयार ही नहीं होता है। And the media ran behind the star kid. I have been given awarded as the best actor critics, as same as Janvi being awarded the same night. I was not even handed this. All these big designers from India,
they still look down upon TV. बहुत सारे टीवी एक्टर्स ने ये बोला है कि उनको बॉलीवुड में इज्जत ही नहीं मिलती है, उनको एक्सपीरियंस करना पड़ता है क्लास बायस, वो अंडरवैल्यूड फील करते हैं कंपेयर टू देयर फिल्म काउंटरपार्ट्स। एंड हिना खान जो इस इशू पे बहुत वोकल रही हैं, उन्होंने कई बार शेयर किया है कि कैसे टीवी एक्टर्स को मजदूरों की तरह देखा जाता है। उनको माना जाता है कि टीवी एक्टर्स तो सिर्फ डबल शिफ्ट कर सकते हैं, ओवर एक्टिंग कर सकते हैं। अब उन्होंने ये भी बोला कि ऑडियंस को यही चाहिए एंड अगर उन्हें मौका मिले तो वो सटल एक्टिंग, अच्छी एक्टिंग भी कर सकते हैं। वहीं रश्मिका देसाई जो बिग बॉस के कंटेस्टेंट रह चुकी हैं, फेमस हैं उत्तरंत सीरियल में तपस्या का रोल निभाने की, उन्होंने शेयर किया कि कैसे इन्फ्लुएंशियल पीपल गेट बेटर प्रोजेक्ट्स इन बेटर स्पेस एंड इट फील्स ह्यूमिलिएटिंग एंड इंसल्टिंग फॉर अ टीवी एक्टर। इट इज काइंड ऑफ ह्यूमिलिएशन आल्सो, इट इज डिजेक्शन आल्सो। टीवी एक्टर्स को टाइपकास्ट कर दिया जाता है, उन पर टीवी एक्टर होने का टैग लग जाता है। बॉलीवुड का एक सेगमेंट तो फिक्सेटेड है इस आइडिया पर कि टीवी एक्टर्स को अपनी मूवीज में कास्ट ही नहीं कर सकते हैं बिकॉज वो ऑलरेडी ऑडियंस के लिए ओवर एक्सपोज्ड है और ऑडियंस उन्हें किसी और रोल में देखना ही नहीं चाहती। ये टीवी आर्टिस्ट है, ये टीवी पे बहुत एक्सपोज्ड हो गई है, हमें कोई यंगर, हमें कोई फ्रेशर फेस चाहिए। क्योंकि जब वो टीवी पर फ्री में दिख सकते हैं तो कोई उनको पैसे देकर थिएटर में देखने क्यों आएगा। मृणाल ठाकुर ने भी इस बारे में बोला है कि ऐसा भी समय होता है जहां उन्हें बोला जाता है कि बॉलीवुड एक्टर नहीं बन सकते, सिर्फ टीवी के लिए अच्छी है वो। एंड ये स्टीरियोटाइप ब्रेक करने की वो पूरी कोशिश कर रही है बिकॉज़ शी बिलीव्स दैट टीवी के अलावा फिल्म्स इज व्हाट शी इज मेंट फॉर। आई जस्ट फेल्ट लाइक फिल्म्स वर समथिंग दैट आई वाज मेंट फॉर। लेकिन देयर आर स्टिल अ फ्यू फिल्म मेकर्स हु अग्री विद दिस, सेइंग कि टीवी एक्टर्स अपने साथ कोई नॉवेल्टी लेके नहीं आते हैं, उनको आदत है सिर्फ एक ही तरीके के रोल्स करने की एंड दे आर नॉट वर्थ टेकिंग अ रिस्क ऑन। अब बॉनी कपूर जैसे लोग कहते हैं कोई पर्सनालिटी नहीं होती एंड सबको फेयर चांस मिलता है बॉलीवुड में, वो एग्जांपल्स देते हैं टीवी एक्टर्स को जिन्होंने सक्सेसफुल ट्रांजिशन किया, सुशांत सिंह राजपूत, यामी गौतम, आयुष्मान खुराना। बट इसके बाद भी ये इग्नोर करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि टीवी एक्टर्स को वो रिस्पेक्ट नहीं मिलती। YouTube पे स्किप पे मिलियंस ऑफ व्यूज हैं जिसमें लोग कह रहे हैं कि यामी गौतम को बॉलीवुड की रॉयल्टी इग्नोर कर रही है। तुम कमेंट्स पढ़ने जाओगे तो तुम्हें लोग यामी के सपोर्ट में दिखेंगे बॉलीवुड के लोगों को बुरा भला बोलते हुए। एंड इससे जुड़ा एक स्ट्रगल जो उन्हें फेस करना पड़ता है वो है नेपोटिज्म एंड ग्रुपिज्म का। एंड हाँ, तुम्हें बॉलीवुड के स्टार किड्स, नेपोटिज्म किड्स मिल जाएंगे बोलते हुए कि नेपोटिज्म कोई फायदा नहीं होता है, बस एक अच्छा हेड स्टार्ट मिल जाता है एंड बाकी टैलेंट पे डिपेंड करता है कि एक्टर चले या ना चले। यू हैव अ बेटर स्टार्टिंग पॉइंट, द डोर इज ओपन, यू गो इन व्हाट यू डू, दैट्स द ऑडियंस स्टिल डिसाइड, यू नो द ओनली थिंग दैट वी गेट the first meeting or the first film. And let the work speak for itself. All this doesn't matter. And फिर वो examples देते हैं of actors such as सुशांत, विकी कौशल की, देखो ये भी कितना अच्छा काम कर रहा है अपने talent के बल पे. Which is true to some extent. तुम सोनाक्षी सिन्हा, अर्जुन कपूर के examples को देख ही सकते हो कि इनकी career की trajectory क्या रही. But it still doesn't take away from the fact कि Bollywood की industry insiders को ज़्यादा opportunities मिलती हैं compared to outsiders जिनको अपने TV audience, relevance, numbers, following लाने के बावजूद भी उतनी opportunities नहीं मिल पाती हैं. इसके example तुम आर्ची की casting में देख सकते हो. वहीं अगर एक TV एक्टर की कोई मूवी ना चले तो उनको अपना करियर वापस से रीस्टार्ट करना पड़ता है बिकॉज़ एक फेलियर के बाद ही उन पे रिस्क लेने को कोई प्रोड्यूसर तैयार नहीं होता। टीवी के बड़े-बड़े एक्टर जैसे प्राची देसाई जो इतना अच्छा डेब्यू करा था बॉलीवुड में अपनी मूवी रॉक ऑन के बाद, उनको स्ट्रगल करना पड़ता है। बट आई वांटेड टू डू समथिंग एल्स आल्सो एंड दैट डिडंट हैपन बिकॉज़ फॉर व्हाटएवर रीजंस, यू नो, बिकॉज़ आई गेस आई डिडंट हैव अ फादर हु कुड प्रोड्यूस अ फिल्म फॉर मी और देयर वाज नो गॉडफादर हु वाज मेकिंग फिल्म्स फॉर मी। So it's very tough for an outsider कि आप अपनी पहचान out of the limited choices that you have उससे आप क्या right pick करो और उससे कैसे आगे बढ़ो। इसके अलावा actors like जय भानुशाली, मनीष पॉल, राजीव खंडेलवाल जिन्होंने अच्छी फिल्में भी दी हैं, जिनकी relevance audience के मन में बहुत है, जो TV पे इतनी ज़्यादा following लेके आते हैं, कुछ failures के बाद उनका career Bollywood में एक hard full stop लग गया है। And इतनी partiality TV actors को लेके इंडिया में ही ज़्यादा देखने को मिलती है, जहाँ पे audience और industry के लोग actors को movie actors, OTT actors और TV actors के बीच में divide करके बैठे हुए हैं। क्योंकि अगर तुम Hollywood में जाके देखो तो ऐसी partiality नहीं होती है, वहाँ टीवी OTT या मूवी एक्टर की डिस्पैरिटी नहीं होती है, वहाँ एक एक्टर सिर्फ एक एक्टर होता है। फॉर एग्जांपल मैट लेब्लैंक जिनको तुम फ्रेंड के जोई के नाम से जानते हो, उन्होंने मूवी से टीवी शोज तक लेकर सब किया है। मैथ्यू मैकॉग ने जो ऑस्कर विनिंग एक्टर है टीवी शोज में आए हुए हैं। मैट लेब्लैंक के अलावा बेनेडिक्ट कम्बरबैच हु इज अगेन फेमस फॉर डॉक्टर स्ट्रेंज, वो शेरलॉक होम्स और काफी सारे टीवी शोज कर चुके हैं। ब्रायन क्रैनस्टन वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर कैरेक्टर्स एवर ने इतनी सारी मूवीज कर रखी हैं। एंड हॉलीवुड में एक्टर्स को टाइपकास्ट नहीं करा जाता एज अ टीवी एक्टर और मूवी एक्टर, वो प्राइमरीली इसलिए बिकॉज उनकी पॉपुलैरिटी उन शोज से आती है जो अच्छे लिखे होते हैं। एंड दैट मेक्स मी थिंक कि प्रोबेबली द ओनली रीजन टीवी एक्टर्स डू नॉट गेट द रिस्पेक्ट इज दिस, क्योंकि इंडियन टीवी के शोज इतने अच्छे नहीं लिखे होते हैं। इसमें ना तो एक्टर्स की गलती है ना बॉलीवुड की गलती है, तो सिर्फ ऑडियंस की और एकता कपूर की।
Actually, let me rephrase. गलती है तो सिर्फ एकता कपूर की. That it's not our audiences that are at fault because we have got a bunch of idiot producers. वो इसलिए कि जब 2000s में TV viewing audience लोगों का interest in television rise पर था, सब लोग अपना time निकाल के TV को देखने को तैयार हो गए थे, उसी time content की quality गिरना शुरू हो गई थी. इसकी शुरुआत हुई एकता कपूर की सास बहू सागा से. जुलाई 2000 में पहला सास बहू शो प्रोड्यूस हुआ, called क्योंकि सास भी कभी बहू थी. एकता कपूर ने इसको प्रोड्यूस करा. ये शो जॉइंट फैमिली में सास और बहू के डायनामिक्स को दिखाने के लिए फेमस होता चला गया. रोज के घर के किस्से, सास बहू के बीच तनाव, घर के दूसरी बहू की साजिश, लोग मर के जिंदा होना, ऐसा कंटेंट हर दिन महीनों सालों तक देखा जाने लगा. एंड इसके जैसे और सीरियल्स की फिर लाइन लग गई. कहानी घर घर की, बालिका वधू, हम आपके हैं कौन, ये रिश्ता क्या कहलाता है, पवित्र रिश्ता, ससुराल सिमर का, सेम ही कॉन्सेप्ट पर सीरियल शाम 6 से 10 बजे तक रोज आने लगे. इसके अलावा शोज लाइक तारक मेहता का उल्टा चश्मा, साराभाई वर्सेस साराभाई, भाभी जी घर पर है. एंड इनके अलावा और शोज कॉमेडी तो थे पर कहानियां सेम ही दिखा रहे थे. इनकी क्वांटिटी इतनी ज्यादा थी, क्वालिटी इतनी खराब थी, अगर तुम कंपेयर करने जाओगे इन शोज को जो शोज इंडिया में 90s में आते थे, बिल्कुल ही अलग थे. वहां फोकस था लोगों को एक अच्छी कहानी दिखा के उनको एजुकेट करने का, एंड यहां फोकस था कि लोग टीवी बस देखते जाएं. इन सीरियल्स के साथ कुछ ऐसा नहीं था बियॉन्ड ड्रामा एंड एंटरटेनमेंट. वो भी सिर्फ घर गृहस्थी, नेगेटिविटी, ड्रामा, आउटलैंडिश कॉन्सेप्ट से रिलेटेड. एंड वो शायद इसलिए भी हो सकता है क्योंकि हॉलीवुड में जहां शोज एक स्टिपुलेटेड टाइम के लिए आते हैं, मैक्सिमम हफ्ते में एक बार, वहीं ये शोज हफ्ते में 5 दिन एंड ऑल ईयर राउंड आते थे. एंड इस सब के साथ कोई स्कोप ही नहीं बचा था कि इन शोज की राइटिंग इंप्रूव हो पाए. कुछ और नया एक्सपेरिमेंट भी करा जाता था, लिमिटेड सीरीज भी लेके आई जाती थी, तो वो फेल हो जाती थी बिकॉज ऑडियंस को कुछ नया देखना ही नहीं था. इस बात का इंपैक्ट तुम इस चीज से लगा सकते हो कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा के 4000 एपिसोड सेम हो चुके हैं एंड वो आज भी वही स्टोरी लाइन फॉलो कर रहे हैं जो वो 2008 में फॉलो करा करते थे. एंड ये आज भी 25 साल की टप्पू सेना से 5 साल के बच्चों वाले चीजें कराते हैं. एंड इतने सालों में जिस तरह की रेपुटेशन टीवी शोज एंड बाय एक्सटेंशन टीवी एक्टर्स की बन गई है, यू कैन अंडरस्टैंड कि क्यों बॉलीवुड के लोग थोड़ा एप्रिहेंसिव रहेंगे टीवी एक्टर्स को कास्ट करने. But now it seems like that the times are changing. क्योंकि पहले बॉलीवुड में घुसने का बैरियर बहुत ज्यादा था विद द लैक ऑफ सोशल मीडिया एंड OTT. उनके पास डेली सोप्स के अलावा एक्टिंग में काम करने का शायद कोई रेलेवेंट ऑप्शन था ही नहीं. लेकिन अब OTT और बाकी मीडिया प्लेटफॉर्म्स के आने के बाद थोड़ा पॉजिटिव चेंज तो आया. एंड इसीलिए ओवर द लास्ट डेकेड टीवी एक्टर्स का बॉलीवुड में आने का स्ट्रगल झेलने का फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंट भी बढ़ गया. इसका लेटेस्ट एग्जाम्पल विक्रांत मैसी है. 2007 में अपने एक्टिंग करियर धूम मचाओ शूम से स्टार्ट करने के बाद उन्होंने बहुत रोल्स करे इन शोज लाइक वीर, बालिका वधू, कबूल है, एंड फिर उनको अपनी डेब्यू मूवी मिली लुटेरा. दिल धड़कने दो, लिफ्टिंग अंडर माय बुर्का, डेथ इन द गुन जैसी मूवीज में अच्छी परफॉर्मेंस दी. उसके बाद अपनी इंपैक्टफुल परफॉर्मेंस दी OTT पे जाके इन शोज लाइक मिर्जापुर, क्रिमिनल जस्टिस, मेड इन हेवन. एंड नाउ फाइनली 10 साल बाद 12th फेल में ब्रेक थ्रू मिला. एंड विक्रांत की जर्नी के अलावा एक्टर्स लाइक विद्या बालन, इरफान खान, आयुष्मान खुराना, सुशांत सिंह, बाकी टीवी एक्टर्स भी होपफुल हो जाते हैं. OTT के आने के बाद सिनेमा, OTT और टीवी की लाइंस थोड़ी और ब्लर होती दिख रही हैं. एंड वो चीज शुरू हो गई है कि एक एक्टर को एक्टर की तरह कंसिडर करा जा रहा है, ना कि उनको टाइपकास्ट करा जा रहा है. बिकॉज अल्टीमेटली बॉलीवुड में ऑडियंस अप्रिसिएशन के बाद इट्स नॉट द मनी और द फेम दैट दे क्रेव, वो ना एक रिस्पेक्ट और क्रिएटिव सेटिस्फैक्शन मिलती है एक्टर को जो शायद उन्हें सिर्फ मूवीज करके मिलेगी, ना कि टीवी में डिफरेंट जॉनर के सेम तरीके के शोज या फिर टीवी परफॉर्मेंसेस करके. मनीष बहल जिनका एक काफी सक्सेसफुल रिलेटिवली बॉलीवुड करियर रहा है, उन्होंने अच्छे खासे रोल्स किए हैं मूवीज लाइक हम आपके हैं कौन, मैंने प्यार किया, हम साथ साथ हैं, विवाह में. उनका एक ह्यूज टीवी करियर है. शोज जैसे संजीवनी, कुछ तो लोग कहेंगे, देवी एंड सावधान इंडिया, उनका एग्जांपल बहुत रेलेवेंट है बिकॉज लोग जब उनसे पूछते हैं कि आप टीवी पर ज्यादा दिखाई नहीं देते, तो उनका कहना भी ये है कि स्क्रिप्ट फॉर टीवी शोज आर पैथेटिक एंड आई वुड रादर वेट फॉर द राइट फिल्म टू कम हिज वे रादर देन डू टीवी. बट दिस transitions us into the last segment that I want to bring your attention to. कि क्या बॉलीवुड या फिर उनके producers, actors जिनके पास monopoly है market की, इस नए talent को opportunity grab करने देंगे भी या नहीं? क्योंकि अगर तुम एक aspect से देखो तो बॉलीवुड की खुद की ही credibility क्या रह गई है कि वो बाकी actors को judge करे या फिर respect ना दे. But seriously, tell me, what is the reach of web series? Is it a platform which has been accepted in this country? Because this video, you clearly ye dekh sakte ho how salty Ranveer gets when it comes to the discussion of how OTT platforms and great actors are rising up. Isme wo saaf keh rahe hain ki unko OTT se dikkat hai ki wo unki audience leke ja raha hai. I'll always be the hater of it because it's going to take away people from my theater. Which brings me to my most important point in this video. Ye ek time tha jab Bollywood India ke narrative ka center point hua karta tha. But now, with the advent of internet, with the advent of more people, more industries in India showing their creativity, Bollywood is no longer the center of India's narrative. Bollywood साल में 100 से ज़्यादा movies release करता है. अक्षय कुमार खुद साल में अपनी 5-6 निपटा जाते हैं. And is that not similar to what the TV industry is doing? अपने क्या है?
अपने को सिर्फ पानी निकालना है। मूवीज टर्न आउट करने के चक्कर में एक साथ दो दो तीन तीन मूवीज रिलीज होती हैं। हॉलीवुड के कंपैरिजन में ये बहुत ज्यादा है। अच्छे एक्टर्स मोस्ट ऑफ द टाइम्स वहां पे एक ही मूवी शूट करते हैं, मूवी शूट करने के बाद ब्रेक लेते हैं ताकि वो अगले रोल के लिए प्रिपेयर कर सके। इसकी अंडरस्टैंडिंग तुम्हें इसी एग्जांपल से मिल जाएगी कि कैसे अलग अलग मूवीज में सेम हॉलीवुड एक्टर अलग एक्शंस अलग परफॉर्मेंस में एक्ट करता है। सुनो ये तीन क्लिप। They're the foot soldiers of a Jew-hating, mass-murdering maniac, and they need to be destroyed. Porkish, the fight is twice the size, and my master needs a caravan. I'd like to look after my lad. It's a fair deal. Take it. If by the old-timey days you mean television 8 years ago. आपने जो वॉइस सुनी वो ब्रैड पिट की, तीन अलग फिल्में, तीन अलग वॉइस। वहीं यहाँ तुम अक्षय कुमार को देखो तो ये आदमी जब से इंडस्ट्री में आया है तब से एक ही एक्शन में एक्ट करता है, irrespective कि उसका एक्टर पंजाबी हो, मुंबई का हो या दिल्ली का हो। लेकिन उसके लिए तो बहुत टाइम है। एंड इसके अलावा the most important impact has been the rise of other film industries from India. लोगों को audiences को अब ज़्यादा बेहतर understanding हो चुकी है about the technical aspects of a film, जैसे कि उसको लिखा कैसे गया है, dialogues कैसे हैं, cinematography कैसी है, screen presence कैसी है, and people are more adept at judging a good movie from a bad movie. And पहले ऐसा केस नहीं था क्योंकि सिर्फ बॉलीवुड की मूवीज ऑल ओवर द कंट्री एंड इनफैक्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सपोर्ट सिर्फ बॉलीवुड होता था। बट पिछले 5-7 सालों में मूवीज लाइक बाहुबली, KGF, RRR, पुष्पा जैसी मूवीज ने एक स्टैंडर्ड सेट जरूर कराया है फॉर द ऑडियंस टू जज। एंड अब ऐसा नहीं है कि बड़े एक्टर के नाम पे आप ऑडियंस को कुछ भी दे दो एंड वो उसको ले लेंगे। एंड लास्टली उसी फिल्म फेयर की बात करें जहां पे ऑरी को फर्स्ट में बिठाया गया था एंड विक्रांत को थर्ड में, उस तक को रिग्ड माना जाता है। तो अवार्ड्स की क्रेडिबिलिटी नहीं है तो इंडस्ट्री की कैसे होगी? जो संस्था मुझे इज्जत दे रही है पहले मेरे मन में उनके लिए इज्जत होनी चाहिए। पिछले कुछ सालों में फिल्म फेयर के सिलेक्शंस को लेकर ऑडियंस में रिजेंटमेंट रहता है कि जो क्रिटिकली अक्लेम्ड मूवी थी जिनको रिकॉग्निशन मिलना चाहिए था उनको इग्नोर कर दिया जाता है एंड अवार्ड्स अनडिजर्व्ड कैंडिडेट्स को दिए जाते हैं। रीसेंट फिल्म फेयर में आलिया भट्ट पर क्वेश्चन रेज करे जा रहे थे कि कितनी भी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी कि अवार्ड मिले। सिमिलरली गली बॉय को जब 13 अवार्ड मिले थे तभी सस्पेंशन हुआ था, और जब अनन्या पांडे को बेस्ट डेब्यू एक्टर्स का अवार्ड मिला था स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 के लिए। इनको पेड अवार्ड्स माना जाता है, एक्टर्स लाइक आमिर खान, कंगना रनौत, अजय देवगन जैसे बहुत सारे एक्टर्स फिल्म मेकर्स सेरेमनीज को अटेंड भी नहीं करते क्योंकि वो ये मानते हैं कि ये रिग्ड है एंड इट्स जस्ट डन टू मेक मोर मनी। एंड इस पूरी वीडियो का तात्पर्य ये निकल के आता है कि जैसा लोग बोलते हैं कि सक्सेस के लिए टैलेंट ही जरूरी है, वैसा बिल्कुल भी नहीं है। आपके कनेक्शंस क्या है, आपका बॉडी ऑफ वर्क क्या है, आप किसी ब्रांड बिल्डिंग करते हो, आपका वर्क पोर्टफोलियो क्या है, आपने अपने करियर में किन मूवीज और टीवी शोज को करने का चॉइस लिया है, ये सब इंपॉर्टेंट होता है। एंड इस वक्त टीवी एक्टर्स के पास एक अपॉर्चुनिटी है बियॉन्ड देयर टीवी रेलेवेंस, वो सोशल मीडिया को यूज करके भी अपनी प्रेलिवेंस बता सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये है सौरभ सचदेवा जिन्होंने एनिमल मूवी में बहुत बड़ी एक्टिंग करी थी। इनके यूट्यूब चैनल पर जाओगे तो यू फाइंड अ नंबर ऑफ वीडियोस ऑफ हिम गिविंग ऑडिशन फॉर सेवरल रोल्स। एंड इट गोज टू शो कि सिर्फ बॉलीवुड या टीवी सीरियल ही तरीका नहीं है आज की डेट में काम ढूंढने के लिए। एंड अल्टीमेटली इट कम्स डाउन टू अ मैटर ऑफ हाउ हार्ड यू वर्क, बिकॉज एक्टिंग विद इन द जॉब ही है। अगर तुम्हें एग्जाम्पल चाहिए तो अनिल कपूर जैसे एक्टर करो जिन्होंने अपने स्टार्टिंग डेज में अलग लैंग्वेज सीखी ताकि वो एक्टिंग कर पाए। मेरा कादंडी बट कहानी का तात्पर्य सिर्फ इतना सा है कि बॉलीवुड टीवी एक्टर्स की तरह अपना परसेप्शन चाहे चेंज करे या ना करे, टीवी एक्टर्स के पास आज बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है जो वो बॉलीवुड को छोड़ के अपनी रेलेवेंस अलग बना के ऑडियंस के सामने आगे आ सकते हैं। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच वॉचिंग टिल द एंड। अगर तुम्हें अच्छी लगी तो तुम्हें ये वीडियो जो यूट्यूब भी कह रहा है तुम्हें अच्छी लगी जाकर जरूर देखो। ये पूरी प्लेलिस्ट है ऐसी और वीडियोज की जिसमें हमने एनालिसिस किया है लोगों का, जो का ट्रेंड्स का, तो इसको जाकर देख सकते हो। चैनल पर सब्सक्राइब करो, वीडियो लाइक करो एंड नेक्स्ट मंथ। बाय।